श्री कृष्ण न्यायाधीश। वैसे तो हर देवता, हर इंसान का कुल देवता उसमें उतना ही विश्वास डालता है जितना श्री कृष्ण मेरे अंदर, मगर श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है ना लड्डू गोपाल, उनके भी अपने ही चमत्कार हैं जिन पे लोगों को इतना दृढ़ विश्वास है कि फिर कहीं और विश्वास करने की या फिर संकोच करने की शंका ही नहीं आती। आज का ये सत्य प्रसंग शायद आपने सुना हो, विभिन्न तरीके से सुना हो, मगर एक लहजा तो हमारा भी है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जब आप इसे पूरा सुन के जाएंगे तो अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। विश्वास। हम में से कई लोग हाथ जोड़ते हैं और फिर भगवान के आगे आंखें बंद कर लेते हैं, तो क्या ये सही है? आइए आगे मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। ये कहानी शायद आपने सुनी हो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मगर ये कहानी सुनाई गई है राजेश मोहन जी के द्वारा, जो उन्हीं इंसान के पोते हैं जिनके साथ ये बीती, मतलब उनके दाता के साथ ये बात बीती थी। तो समझिए कि कहानी में थोड़े प्रपंच होने की शंका कम हो जाती है ना? चलिए आगे जानते हैं। तो होता यूं है कि राजेश मोहन जी के दादाजी की दुकान थी मिठाई की, पेड़ों की, और वो बिल्कुल वृंदावन में उनके मंदिर बांके बिहारी के मंदिर के सामने थी। बांके बिहारी कह लीजिए, लड्डू गोपाल कह लीजिए, उनका बाल स्वरूप कह लीजिए, उनका यौन स्वरूप कह लीजिए, उनका आप कुछ भी कह लीजिए, कहेंगे तो आप हरे कृष्णा ही। तो कहानी को सुनिएगा। तो कहते हैं कि उनकी दुकान जो बिल्कुल सामने थी, एक कह लीजिए उनकी दुकान को ना एक तरह से एक सौभाग्य प्राप्त था कि उनकी दुकान से ही भगवान के लिए प्रसाद के लिए पेड़े जाया करते थे, और वो भी 1 किलो 2 किलो नहीं, 100 किलो। अब ये एकदम से नहीं होता, कुछ भी होते होते होता है। पहले 10 किलो होता होगा, फिर दर्शक आने लगे, भगवान के भक्तगण आने लगे, और भगवान अपने भक्तों को भला कभी निराश करते हैं? तो पंडित जी जो वहां के थे, वो जैसे जैसी रिक्वायरमेंट होती थी उसके अनुसार अब रिक्वायरमेंट 100 किलो की होने लग गई थी, और मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता, भगवान को भोग चढ़ाया जाता, उसके बाद सबको भंडारा मिलता, फिर चाहे वो मंदिर में काम करने वाला हो, चाहे ऐसा कोई इंसान हो जिसके घर पे अन्न का प्रावधान नहीं हो पाता है, भगवान अपने दर पे सबको खिलाते हैं, किसी को भूखा नहीं जाने देते। तो ऐसा ही था, वहां के पंडित जी जो थे उनके मन में आया कि चलो भगवान सब पे कृपा करते हैं, कुछ कृपा मुझ पे भी हो जाए। अब यहाँ पर छलावा होना शुरू हुआ। उन्होंने सोचा कि 100 किलो चढ़ता है, मैं ही मंदिर का जो हूँ विख्यात पंडित हूँ, मुझे कौन देख रहा है अगर मैं 100 किलो भी चढ़ाऊँ या फिर 80 किलो चढ़ाऊँ, कितना चढ़ा रहा हूँ कौन पूछ रहा है, हो जाएगा एडजस्ट बस, और वो 20 किलो मैं अपनी जेब में रख लिया करूँगा, पैसे 20 किलो के। अब एक हफ्ते एक दिन में इतना होगा, तो महीने में इतना होगा, तो साल में इतना होगा। इंसान है, मोह में पड़ जाता है, और फिर लोभ में पड़ जाए तो फिर उसको कौन बुद्धि दिलाए। अब यहाँ पर ऐसा ही हुआ। अब पंडित जी जो पहले 100 किलो पेड़े लेके जाया करते थे, अब वो 80 किलो लेके गए। उस दिन जो वहाँ के सेठ जी थे लड्डू देने वाले, वो पेड़े देने वाले, वो पूजा आरती कर रहे थे, तो वो ज्यादा इसमें चूंचड़ा करते नहीं थे। जब भगवान के मंदिर की बात थी तो विश्वास था भगवान कृष्ण पे, और उनके अलावा कुछ ना दिखता था, ऐसा सा हाल था, तो कोई शंका थी नहीं। उन्होंने कुछ ना पूछा। उस दिन पंडित जी ने कहा 80 किलो दे दो। जब देने वाले ने कहा कि अरे नहीं, 100 किलो लेके जाया करते थे ना आप, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, आज ना ये खीर वगैरह बन रखी है हमारे भंडारे में, तो काफी सामान है हमारे पास। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, 80 किलो दे दिए। पंडित जी 80 किलो लेके चले गए, 20 किलो के पैसे अपनी जेब लगा लिए। अब कहते हैं कि कृष्ण सबको देते हैं, उसके बाद कुछ बचेगा तो उनका, हालांकि हम तो सबसे पहले उन्हें भोग लेते हैं, लेकिन हम हैं कौन उन्हें भोग देने वाले, वो जितना हम देते हैं दुगना हमें लौटाते हैं। देखिए मेरा विश्वास कह रहा है, मेरा विश्वास कह रहा है, कहानी को चटपटा बनाने के लिए कुछ नहीं कह रही, क्या ही कहूंगी। दुख नहीं है जीवन में ऐसा भी नहीं कहती, मगर सुखों से लदबद नहीं है जीवन ऐसा भी नहीं कहते। चलिए किसी दिन अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगी। तो आगे 20 किलो जो थे कम थे। अब कृष्ण के भक्तों को कुछ कम ना पड़ा, लेकिन शायद कन्हैया भूखे रह गए। उस दिन दुकान बढ़ाने में थोड़ी सी सेठ जी को देर हो गई थी, और मंदिर के पट तो आपको पता है 8 बजे बंद हो जाते हैं, 7:30 बजे बंद हो जाते हैं। मंदिर के पट बंद हुए, और जो छोटा सा एक कहते हैं सब गेट, वो लॉक नहीं था,
वो ऐसे ही भीड़ा हुआ था। तो अब सब अपने अपने घरों को चले गए। सेठ जी जो थे वो काम कर रहे थे, करीबन 9:15 की बात हो रही होगी, तभी गेट, सब गेट, छोटा वाला गेट को खोल के नन्हे नन्हे पैरों को बाहर निकाल के छम छम करता हुआ एक बालक आया। उसने कहा, सेठ जी, अंकल जी, सेठ जी, जो भी कहा होगा, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे नहीं पता है, मैं बस आपको कहानी के माध्यम से अपनी भावों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सेठ जी, मुझे 20 किलो पेड़े दे दीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा, आपको 20 किलो पेड़े चाहिए? क्यों चाहिए आपको 20 किलो पेड़े, और आपके साथ कौन आया है? उन्होंने कहा, मेरे साथ कोई नहीं आया, लेकिन कल आएंगे, आप मुझे 20 किलो पेड़े दे दीजिए, इसके बदले ना मेरी ये सोने की पायल ले लीजिए। अच्छा, आपकी सोने की पायल ले लूँ? कहाँ से लाई है आप ये पायल? कहाँ से लाऊंगा, मेरी है, अभी जल्दी दे दीजिए, मुझे भूख लगी है, ज्यादा बात नहीं करी, और 10-10 किलो के पैकेट लेके अंदर चला गया। सेठ जी को भी यही लगा कि कल आएंगे इसके परिवार वाले, पैसा दे जाएंगे, अभी बालक है, शायद मंदिर में कोई ठहरा होगा, पंडित जी का कोई होगा, तभी तो आया है, ज्यादा ध्यान न दिया। अब अगले दिन फिर पंडित जी ने वही चाल खेली, 80 किलो पेड़े ले गए, 20 किलो जेब लगा लिए, और प्रसन्न थे अपने इन प्रपंचों में। इंसान है ना, भोला है, जानता नहीं है कि उसका क्या रिजल्ट आने वाला है इन फ्यूचर। अब अगले दिन फिर कन्हैया भूखे रह गए। वैसे ही हुआ, मंदिर के द्वार आपके 9:15 के करीब बंद हुए, उसके बाद सब गेट वहीं भीड़ा हुआ था, उसमें से निकला नन्ना सा बालक। सेठ जी अपने नोटों को गिन रहे थे, उनके पास गया और बोला, सेठ जी, लहान जी, मुझे ना भूख लगी है, 20 किलो पेड़े दे दीजिए। कहा, 20 किलो पेड़े? बालक, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे साथ कोई आएगा, सुबह तो कोई ना आया। कहा, कल तो जरूर आएगा। ए बालक, ऐसा ही कहता है, कछु ना होता सवेरे तो, कल सवेरे तो होगा। और अपनी सोने की अंगूठी उनको दे दी। अब हुआ यूं था कि जो सुबह जब उन्होंने देखा, जब पट खुले, तो पंडित जी ने देखा कि सोने की पायल नहीं है वहां पर, तो यही सोचा कि क्या पता सफाई में इधर उधर हो गई होगी, मिल जाएगी, अपने लोभ में बड़े खोए थे ना, तो उस दिन उतना हंगामा हुआ नहीं। अगले दिन जब पट खुले, बालक तो लड्डू लेके चला गया और अंगूठी दे गया, पट खुले तो देखा अब अंगूठी भी गायब है, पायल भी नहीं मिली, ये थोड़ा विचलित करने वाला मामला है। सारे के सारे जो उनके भगवान के भक्त थे वो भी आज दुखी थे, बड़ा मन उदास था कि भगवान का ये गहना एक एक करके कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, क्या हमसे कोई गलती हुई? लेकिन आज भी पंडित के मन में नहीं आया कि हाँ गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन पंडित के मन में नहीं आया। अब आज फिर से पंडित जी गए, 80 किलो लड्डू लिए। आज जो थे सेठ जी गल्ले पे ही थे, और अंगूठी गुम हुई है इसके बारे में सेठ जी को खैर कुछ पता ना था, पूरे गांव को पता लग रही थी कहानी, लेकिन सेठ जी को कुछ नहीं पता चल रहा था। देखो, भगवान की ही लीला है, भगवान जो चाहे जब चाहे तभी करवाते हैं। हमें लगता है हमारे हिसाब से सब कुछ चल रहा है, लेकिन सब कुछ भगवान के हिसाब से चल रहा होता है, इतना मैं भी मानती हूँ। फिर और सेठ जी को कुछ पता चलता ना चलता, उनके घर में कुछ त्यौहार चल रहे थे, कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, जिससे थोड़ा उसमें भी उनका दिमाग जो था बिजी था, तभी तो उन्हें ये ना पता चल पाया कि 100 किलो लड्डू जो भोग में चढ़ा करते थे पेड़े, अब वो 80 हो गए हैं। तो अब ऐसा ही हुआ, 80 किलो पेड़े चढ़े उस दिन भी, और भगवान फिर तीसरे दिन जो है भूखे रह गए। आज शाम को सेठ जी ने ये सोचा हुआ था कि जैसे ही वो बालक आएगा, 2 दिन से उसका घर का कोई नहीं आ रहा सोने के आभूषणों को लेने के लिए, ये कोई आम बात नहीं है, आज जैसे ही वो आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा या उसके पीछे पीछे जाऊंगा। अब वो इंतजार में थे, चश्मा नीचे करके नोटों को गिन रहे थे, गल्ला बंद करने का समय हो रहा था, बालक आया छम छम करता, और जैसे ही वो आया चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो ना नन्ना सा बालक, उसके चेहरे पे तेज, बहुत ही प्यारे नीले रंग के वस्त्र धारण किए, और बोला, सेठ जी। उन्होंने कहा, हाँ जी, मुझे ना भूख लगी, और आपको 20 किलो पेड़े चाहिए? कहते, हाँ जी, मुझे 20 किलो पेड़े चाहिए, और मेरे पास ये हैं। अब ये है जब कहा तो 4 सोने के कड़े, चाहे छोटे छोटे ही थे, कन्हैया के थे, लेकिन थे। तो उन्होंने कहा, देखो बालक, आपने पहले भी कहा था लेकिन कोई नहीं आया आज भी आपके आभूषणों को लेकर पैसे देने के लिए। कहा, कल जरूर आएंगे। कहते, ये जरूर अगर नहीं आए तो फिर देख लेना बालक। ने कहा, हाँ जी, देख लूंगा। अब जैसे ही बालक को लड्डू दिए वो जाने लगा, पीछे से पंडित जी भी उसके पीछे पीछे भागे गए। जैसे ही गेट के अंदर पहुंचे तो बालक तो रोड क्रॉस करके चला गया था, लेकिन वहां कोई ना था, केवल पंडित के घर का लाइट जल रही थी, और बालक इतना तेज जा ही नहीं सकता था कि उनके घर तक पहुंच जाए। कोई ना देखकर, पंडित जी को डिस्टर्ब नहीं करता ऐसा सोचकर, वो वापिस अपने
गल्ले पे आ गए और सब सामान रखकर अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह कड़े नहीं थे, अब चिंता का विषय बढ़ता जा रहा था। सब बहुत दुखी थे। आज जो भगवान के दर्शक थे, भगवान के भक्त थे, उन्होंने सोचा कि हम इस जो घटना हो रही है इसका पता लगाए बिना भोग ना ग्रहण करेंगे और ना ही भंडारा होगा। अब सब रोते रोते इधर उधर जा रहे थे। सेठ जी के पास भी पहुंचे तो कहा, सेठ जी आपने सोने की पायल, सोने का अंगूठी और यह सोने का कड़ा देखा है, आपके पास है? तो उन्होंने कहा, ये कोई सुनार की दुकान तो है ना, मुझसे क्यों पूछ रहे? उन्होंने कहा, क्योंकि ये सब हमारे बांके बिहारी का 2 दिन से मिसिंग है, भगवान हमसे रुष्ट तो नहीं हो गए होंगे, एक साधारण से ग्रामीण ने कहा। तो ये सुनकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, क्या 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 चीजें बताई आपने? उन्होंने सब बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ कहते इससे पहले उन्होंने अपने गल्ले से वो सब आभूषण निकाले और दौड़ते हुए मंदिर में पहुंचे और पंडित जी के सामने रख दिए और कहा, ये है वो आभूषण? उन्होंने कहा, हाँ यही है वो आभूषण। कहाँ से मिले आपको? उन्होंने कहा, ये सब आभूषण मुझे रोज एक एक करके एक बालक आके दे के जाता है शाम को, और 20 किलो पेड़े हैं, पता नहीं किस हिसाब से, लेकिन कहता है कि मुझे भूख लगी है, लेके चला जाता है। पेड़ों की बात हो रही है, मुझे मथुरा के पेड़े याद आ रहे हैं, जब मैं गई थी वृंदावन इसी अप्रैल में तो मैंने खाए थे। भाग्य वालों को ही मिलते हैं ऐसा प्रसाद और ऐसे जाने का मौका। भगवान की कृपा होगी तो मैं दोबारा जाऊंगी। और आप सब जो भगवान की कहानी को अभी तक सुन रहे हैं, आप भी भगवान के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे, ऐसी कामना मेरी भी है। अब उन्होंने कहा कि रोज शाम को एक बालक आता है, 20 किलो पेड़े लेके जाता है और ये आभूषण दे जाता है। ये सुनते ही पंडित जी अपनी गलती समझ गए। उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, और ये कहते कहते जमीन पर पड़ गए। किसी को कुछ समझ ना आया, लेकिन कृष्ण है, अपनी मुरली बजाई और लीलाएं कर गए। उन्होंने सब बता दिया कि मैं किस हिसाब से भगवान के भोग में से पैसे बचा रहा था और भगवान तो भूखे ही रह जा रहे थे। और ये सुनकर सेठ जी भी रोने लगे कि मतलब मेरे पास कन्हैया स्वयं आते थे, आज तक मैं कन्हैया से, उनकी मूर्ति से ऐसे बात क्या करता था जैसे मेरे सामने कन्हैया हो, कैसा है लल्ला, क्या कर रहा है लल्ला, और जब लल्ला सामने आया तो उनको पहचान ही ना सका। ये मैं कैसा भाग्यशाली हूं या दुर्भाग्यशाली, मैं समझ ही नहीं पा रहा। ऐसे करके वो भी रोने लगे और पूरा माहौल गमगम हो गया। वो कहते हैं कि कन्हैया से उस दिन पंडित जी ने माफी मांगी और कहा कि 100 किलो पेड़े नहीं, अब से 110 किलो पेड़े चढ़ेंगे, रोज 10 किलो एक्स्ट्रा पेड़े जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने पैसों से चढ़ाऊंगा। और फिर कन्हैया हैं, सब कुछ ठीक कर ही चुके थे, सबने आरती करी। और कहते हैं ये बात, ये प्रसंग प्रचलित हो गया, वहां का हवा में उड़ गई बातें, लोगों ने कई कई कहानियां बनाई, लेकिन सच इतना ही था जितना मैंने आपको सुनाया, विश्वास से सुनाया है, सुना है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कभी नहीं कहती सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए, देखिए आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहूँ, बिना मिर्च मसाले के सत्य कहानियाँ आपके सामने लेके आऊँ, ताकि हमारा जो कन्हैया पे विश्वास है वो और अटूट हो जाए, तो सब्सक्राइब कर जाइए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि दुख तो बड़े हैं जीवन में, एक सुख की घड़ी आप दे सको तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं। यही सुनकर, यही सोचकर, जितना भी भगवान ने समय मुझे काम पे दिया उसमें से निकाल कर कुछ कहानियाँ ले आती हूँ, इधर उधर से सुनती हूँ, सुनाती हूँ, और अच्छा लगता है। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगता है। जल्द लौटूंगी अच्छे सत्य प्रसंग के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, कन्हैया की भक्ति में लगे रहिए और सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है? अपनों का परिवार बढ़ेगा तभी तो शक्ति बढ़ेगी, और कन्हैया के भक्त मिलकर कहेंगे बोलो श्री कृष्णा राधे राधे।